देखिए बोर्ड पे ऊपर जो डिटेल लिखा है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। और रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट वन मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर रिलेटेड लिंक शेयर किया हुआ है, तो पहला पार्ट आप पढ़ लीजिए। दूसरा पार्ट मतलब आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, यानी आपका आज जो कंप्लीट होने वाला है रिडॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैं डी ब्लॉक कंप्लीट कर चुका हूँ, दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अगर 25 क्वेश्चन मान लेता हूँ इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक में आप मान के चलिएगा कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन, क्योंकि वो फिजिकल में भी आता है, 8 to 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमको मेन चीज़ समझानी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए इट इज सीरीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स में आप मेनली ऐसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि मोस्ट नेगेटिव टू जीरो एंड देन टू मोस्ट पॉजिटिव। मतलब कहानी कुछ ऐसी चलेगी कि जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी वहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो पे पहुँचेगी, उसके बाद फिर वो ज़ीरो से प्लस की तरफ जाएगी। इट इज़ सीरीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, जिसमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेंगे, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट नेगेटिव टू ज़ीरो एंड देन टू मोस्ट पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन। देखिए कहानी कुछ ऐसी है, अगर मैं मेटल को लेके चलूं, देखिए हमारा है सबसे पहले लिथियम है, इसका ई नॉट रिडक्शन -3.05 वोल्ट है। दिस इज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अमंग ऑल द इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद हम पहुँचेंगे हाइड्रोजन पे, और इसका ई नॉट रिडक्शन होता है ज़ीरो, तो मतलब माइनस से चलेगी ज़ीरो पे ख़त्म होगी। उसके बाद ये पहुँचेगा गोल्ड, इसका ई नॉट रिडक्शन होगा +1.50 वोल्ट। तो ये इसकी रेंज है, माइनस से ज़ीरो में जाता है, फिर ज़ीरो से प्लस पे जाता है, और वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे मैथ्स में नंबर लाइन होती है, मोस्ट नेगेटिव से ज़ीरो पे आते हैं, फिर ज़ीरो से मोस्ट पॉजिटिव में जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। तो नंबर लगा लाइन में हम देखें तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ देखिए दो कन्वेंशन यूज़ किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, दैट विल डिपेंड ऑन द माइंड ऑफ क्वेश्चन मेकर, जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकता है और सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू भी लिख सकता है। ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू भी है और नंबर लाइन में सबसे छोटी वैल्यू भी है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए
दूसरी जो मैं आपको ज़रूरी बात बता दूँ कि नोट्स बनाते चलिए, मेन बात मुझे बतानी ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक छोटा सा 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से आप उसको ले लीजिए। उसमें जितने वीडियो हैं सब इससे रिलेटेड हैं। अगर आप पहली बार बीएससी सेकेंड ईयर में तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्लास देख रहे हैं तो लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके पहले के जो 3 वीडियो हैं उनके भी लिंक शेयर हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का भी लिंक शेयर है, तो उससे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को थोड़ा और पढ़ लीजिए। उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने की टेक्निक भी बताई है, उसको फिर से बताऊंगा तो समय ख़राब होगा। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा और मैं सीधे आपको बताऊंगा इस पे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। 2 क्वेश्चन तो आपको देखिए मिलेंगे ही मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, ठीक है। मैं डेफिनेशन एक बार मैंने बता दिया आपको और ये सारा मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब सवाल ये है कि इनकी वैल्यू के बेसिस पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं लिखता चल रहा हूँ, उन्हीं में क्वेश्चन बनेंगे रिलेटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। पहले नंबर पे देखिए हाइड्रोजन, इसका ई नॉट रिडक्शन जो होता है वो वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस होता है। देखिए अबव हाइड्रोजन ऑल ई नॉट रिडक्शन आर नेगेटिव, उसके ऊपर की जितनी वैल्यू होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। अच्छा, बिलो हाइड्रोजन ऑल, उसके नीचे जो होगा सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अबव हाइड्रोजन ऑल ई नॉट रिडक्शन आर नेगेटिव और बिलो H2 ऑल ई नॉट रिडक्शन आर पॉजिटिव। तो एक तो आपको ये जानकारी रखनी है। अच्छा, दूसरा ये है कि इफ ई नॉट सेल इक्वल टू पॉजिटिव देन द गिवन सेल, सेल का यहाँ मतलब मेनली डेनियल सेल होता है, देन द गिवन सेल इज फीजिबल और पॉजिटिव। बहुत ज़रूरी बात है, आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकालनी है, वो वैल्यू आप पॉजिटिव निकालते हैं, तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आप निकालते हैं तो गिवन सेल का वो गिवन सेल पॉसिबल होगा। जैसे आपको ऐसे सवाल देंगे कि कोई सेल लिख के दे दिया डेनियल सेल, पूछा ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब बनेगा भी कि नहीं, करंट का कुछ फ्लो, इलेक्ट्रॉन का कुछ माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं अभी इसी सेकंड पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। खाली पढ़ते मत रहिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वही नीचे लाल लाल बटन है दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला है, और लाल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा, पैसा खर्च नहीं होना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये देन द गिवन सेल इज फीजिबल और पॉसिबल, तभी वो पॉसिबल है,
थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए E नॉट सेल इक्वल टू होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। एक तो आपका ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं E नॉट सेल इक्वल टू। देखिए ये फिजिकल में भी फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ। अच्छा, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। जो राइट पे रखा होता है वो कैथोड होता है, जो लेफ्ट पे रखा होता है वो एनोड होता है ना। ये सेकेंड पॉइंट हमारा चल रहा है। अच्छा, बस इसमें एक बात ध्यान ये रखनी है, रिमेंबर दैट इन इक्वेशन नंबर वन बोथ E नॉट कैथोड एंड E नॉट एनोड दोनों मस्ट बी E नॉट रिडक्शन, दोनों E नॉट रिडक्शन होने चाहिए। तब वैल्यू अगर E नॉट सेल की पॉजिटिव आती है तो वो सेल फीजिबल है, नहीं आती है तो वो नहीं फीजिबल है। अब मैंने आपको रूल तो बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, देखिए ये है हमारा डेनियल सेल ZN C2+ Cu2+ Cu है ना। जो लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है, राइट में जो होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, ये डेनियल सेल हमको दिया हुआ है और इसमें दिया है E नॉट ZN2+ ZN - 0.76 वोल्ट और E नॉट Cu2+ 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू देखिए आपको गिवेन है, ये आपको सेल गिवेन है, लेफ्ट पे एनोड है, राइट पे कैथोड है। ये देखिए दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है, ये चेक करना ज़रूरी है। भाई कैसे चेक करेंगे, पिछला वीडियो देखो, इसका फर्स्ट पार्ट रिडॉक्स का पार्ट वन, और फिर भी एक बार देख लो कि जो आपका इक्वेशन कैसे लिखी है, ZN2+ से ZN+2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज रिडक्शन, एंड हियर ऑल्सो Cu2+2 Cu। अगर Cu पहले लिखें, अगर ऐसे होता, ये अगर होता तो यही वैल्यू हो जाती ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमको इस फॉर्मूले में जब E नॉट निकालते हैं तो दोनों वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल में ही देना चाहिए। अगर ये वैल्यू दी होती तो हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करते, उसके लिए सिर्फ उसका साइन बदल देते। अच्छा, अब देखिए ये वैल्यू आई, अब हमने फॉर्मूला लगाया E नॉट सेल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, तो कैथोड इसमें देखो ये है, ये वैल्यू उठा कर रख दो, प्लस 0.35, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये वैल्यू साइन के साथ लिखेंगे माइनस, तो सॉल्व करेंगे +1.1 वोल्ट। इसलिए सो सेल इज फीजिबल, यानी सेल बनेगा। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इस तरीके से आ सकता है।
फर्स्ट पेपर में भी, और फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये हमारे देखिए दो पॉइंट हो गए। इसी में मैं एप्लीकेशन भी बता दे रहा हूँ, इसी में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूँ। तीसरी बात देखिए, हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन, हायर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब अब आपको पूछ सकते हैं कि बताइए भाई इनमें मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, बता सकते हो आप? ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन। और ऐसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, यानी इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, देखिए मोर नेगेटिव मोर मेटेलिक, लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव मोर नॉन मेटेलिक। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मेटेलिक होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना वो। तो मैं आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेके इस बात को, थर्ड पॉइंट को समझाता हूँ। हर एक पॉइंट में ध्यान से देखोगे, चार चार पांच पांच क्वेश्चन आपके जहन में आने लगेंगे। अब देखिए मैं आपको अगला पार्ट बताता हूँ, अगला इसी पॉइंट में मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये मेटल्स हमको दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इनकी जो ई नॉट रिडक्शन की जो वैल्यू दी गई है, मान लिया ये दिया हुआ है 1.87, इसकी दी हुई है प्लस 0.7579, वैल्यू दी है माइनस 1.34, इसकी वैल्यू दी है माइनस 2.05। ये वैल्यू सारी वोल्ट में दी हुई हैं। हमको मान लिया पूछा गया ऑप्शन नंबर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताइए इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, विच इज़, देखिए विच इज़ मोर मेटेलिक, मोस्ट मेटेलिक, इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, आंसर हो गया डी। देखिए मोस्ट नेगेटिव वैल्यू विच इज़, अब इसी में ए बी सी डी आप ऑप्शन कितने में सवाल बनाते जाओ, विच इज़ लीस्ट मेटेलिक, सबसे कम कौन होगा, जो सबसे कम नेगेटिव होगा वो होगा हमारा बी। अच्छा तीसरा सवाल, विच इज़ मोस्ट नॉन मेटेलिक, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो हो गया हमारा बी। विच इज़ लीस्ट नॉन मेटेलिक डी। घूम फिर के जो जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा उतना कम नॉन मेटेलिक होगा, जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा उतना कम मेटेलिक होगा। मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक दूसरे के
इन्वर्स होते हैं। ये तीसरा पॉइंट चल रहा है और इसी के अंदर आप चार पांच सवाल आपके सामने रखे हुए हैं। ध्यान से पढ़ोगे और सोचोगे तो सवाल बनेंगे अपने दिमाग में, हर एक पॉइंट में पांच पांच दस दस सवाल बनेंगे। जो अगर आप इजी नोट्स लेके बैठोगे तीनों, हाँ जो आपने जितना काम किया जितना कर सकते हो, अगर आप तीनों इजी नोट्स के क्वेश्चन कर सकते हो तो आप करो, मुझे मत परेशान करना। मैं थोड़ी हेल्प करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है उतनी। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे वाले क्वेश्चन उठाना और ज़्यादातर करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर सकते हो तो फिज़िकल मैंने कराई है वो कर लो, ऑर्गेनिक में जितना पढ़ा है उसको ब्रीफली देखते जाओ, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक में फिर बताऊँगा, इनऑर्गेनिक में आपको करवा रहा हूँ। और फिज़िकल मैं करवा चुका हूँ उसी को शॉर्ट में कर लो, इनऑर्गेनिक में करवा रहा हूँ उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक बताऊँगा। ठीक है, अभी इसे तीसरे पॉइंट में मैं आपको और भी कुछ बातें लिख सकता हूँ। देखिए, जो आपका मेटेलिक करेक्टर होता है इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसी को कहते हैं टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तीनों का एक ही मतलब है। अब जो मैंने आपको अभी इसके पहले सवाल बताए थे उसी में मैं आपको रिड्यूसिंग कैरेक्टर लगा दूं तो चार और सवाल बन गए, आठ हो गए। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है, लीस्ट रिड्यूसिंग कौन है, इसी तरीके से सब ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के हर एक पॉइंट चार चार छः छः आठ आठ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, कर लोगे आप। अब देखिए, नॉन मेटेलिक करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये देखिए, हमने पॉइंट नंबर आपको तीन बता दिया। चौथा पॉइंट ये है, ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब आपको जो सीरीज कैसे याद करनी है ये मैंने आपको उस वीडियो में जो शेयर मैंने किया है उसमें बताया है, वो आप याद कर लेना। कई लोगों को याद भी होगा नहीं, लिकबा, सरकाना मग, अलमंजन कर, फिसिडी कोनी, सनपग, हाइड्रोजन और चापा। इससे आपको 20 अच्छे मेटल की सीरीज आपको याद हो जाएगी, है ना। तो उसको आप इस सवाल को कर सकते हो, मेटेलिक करेक्टर। कोई आपको चार उन्होंने दिए दिए मेटल, बोला उसका सही ऑर्डर लिखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो आप लिख सकते हो आराम से। वैल्यू से भी दे सकते हैं, बिना वैल्यू के भी दे सकते हैं, वो आपको याद रहेगा तो आप उसको कर लोगे तो ठीक रहेगा। जितना ज़्यादा आप आर्टिकल पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन की बजाय आर्टिकल पे भरोसा करो, टॉपिक पे भरोसा करो, इन लाइंस को पढ़ो, सबसे क्वेश्चन बनेंगे, आराम से कर लोगे क्वेश्चन। ये चौथा मेरा पॉइंट हो गया। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि जो मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस अ गिवन मेटल फ्रॉम
इट्स सॉल्ट। इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे हैं सीरीज में वो नहीं कैन डिस्प्लेस, नहीं ये गलत हो गई लाइन, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, जैसे HCl, HBr, H2SO4, HNO3 वगैरह। जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे हैं वो इन एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो नीचे रखे हैं नहीं कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा, जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, कौन डिस्प्लेस कर सकता है, गोल्ड, Zn, सिल्वर, कॉपर। बन गया है क्वेश्चन, पूछा भैया इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस कर सकता है। बोला वो कर सकता है जो हाइड्रोजन के ऊपर रखा है, हाइड्रोजन के ऊपर जिंक रखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4। कौन नहीं कर सकता है डिस्प्लेस, जो हाइड्रोजन के नीचे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और हाइड्रोजन के नीचे कौन है, मरकरी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। ऐसे आप 50 सवाल बना सकते हो, 50 सवाल बनाए जा सकते हैं। सीरीज याद है, यहाँ बदलते जाओ आप एग्जांपल, बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये आपका पांचवा हुआ कि जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हैं वही डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम मिनरल एसिड्स, क्योंकि वही हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अगली जो अगला पॉइंट है हमारा कि जो मेटल नीचे रखे हुए हैं जो लोग WhatsApp ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वे जो रिलेटेड वीडियो अगर वो देख रहे हैं और वो उससे रिलेटेड टॉपिक के अगर क्वेश्चन करते हैं कहीं के भी हैं, बड़े क्वेश्चन मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, होशियार मत बनना, IIT का पेपर नहीं दे रहे हो आप, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, पेंडेमिक के मामले में पेपर बहुत सरल आने वाले हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन है मोदी जी की तरफ से और योगी जी की तरफ से, तो उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को भेजिए मेरे पास WhatsApp ग्रुप में, मैं बता दूंगा, लेकिन रिलेटेड टॉपिक के। इधर उधर के आप भेजोगे मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि मतलब का है तो मैं बता दूंगा आपको। और आप लोग जो लोग नहीं भी मुझसे पढ़ते हैं वो मुझे YouTube पे कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें पॉइंट नंबर छठवां। अब देखिएगा, मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। जैसे पानी, वैसे वहाँ HCl H2SO4 लिया था, यहाँ पानी ले लिया। जैसे आप देखिए Na प्लस वाटर है, ये NaOH प्लस हाफ H2, सब नहीं कर सकते। अगर हम ये करते तो CuOH होल ट्वाइस प्लस H2, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ कॉपर।
लेकिन सोडियम कर सकता है। अब जिंक है, मान लिया जिंक भी कर सकता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे रखे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, वो नहीं कर सकते। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हुआ। इस पर भी हम कई सवाल बना सकते हैं कि इनमें कौन कर सकता है और इनमें कौन नहीं कर सकता। इस तरीके से हम आराम से बहुत सारे पॉइंट इसके छठवें पॉइंट पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब और देखिए, अब अगली चीज़ हमारी ये है कि देखिए, अ गिवन मेटल, या ऐसे नहीं लिखे, अबव प्लेस्ड मेटल्स, यानी दो आप कोई मेटल पिक कर लो, उसमें एक मेटल होगा ऊपर रखा होगा आपस में, एक नीचे रखा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये मैंने सीरीज का एक पार्ट बनाया है। ऐसे एक पोटेशियम पिक कर लिया, एक सीए पिक कर लिया, तो पोटेशियम ऊपर प्लेस्ड है, इन दोनों में पोटेशियम ऊपर है, सीए नीचे है। अबव प्लेस्ड मेटल्स कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। बोला ये रिएक्शन पॉसिबल है, बोला पॉसिबल है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ऊपर रखा है, और देखिए ध्यान से, कॉपर हट रहा है और जिंक जो है आ रहा है। इस साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर Cu के साथ SO4 जुड़ा था, यहाँ पर Zn के साथ जुड़ गया, Cu को हटा के जिंक आ गया, क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है इसलिए कॉपर को वो डिस्प्लेस कर सकता है। अगर इसी की रिवर्स रिएक्शन होती, Cu प्लस ZnSO4 इज नॉट इक्वल टू CuSO4 प्लस Zn, क्योंकि कॉपर जिंक के नीचे रखा है और ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 7 तक हो गए हमारे, और अबव प्लेस्ड मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। इस तरीके के कई सवाल बन सकते हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, इसमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने 7 आपको पॉइंट बताए हैं, इस पर मैं अगर एक आपको 8वां पॉइंट बताऊं, तो ये सारे लगभग पॉइंट को कवर कर देता है। देखिए, विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल और पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, नेचुरली हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, उसके लिए देखिए क्या हमको तरीका क्या है इसका, कि इफ अबव प्लेस्ड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड बिलो प्लेस्ड मेटल इस, ये ब्रह्मास्त्र है मेरा, इतने आपने अभी 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर उन 7 पॉइंट की जगह हम ये एक पॉइंट लगाएंगे तो सबको लगभग कवर कर देगा, कि जो अबव प्लेस्ड मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो और बिलो प्लेस्ड मेटल है रिड्यूस हो रहा हो, देन The reaction is spontaneous or feasible
अदरवाइज नॉट। अगर ऊपर प्लेस्ड मेटल का ऑक्सीडेशन हो और नीचे प्लेस्ड मेटल का रिडक्शन हो रहा हो तो ऐसी हर एक रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ सारे मैंने केस आपको डिस्कस कर दिए। देखिए एग्जांपल, जैसे रिएक्शन लिखी है SN प्लस HCl या FeCl2 SnCl2 प्लस Fe। हमको पता करना है ये रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है कि नहीं है। तो हमको इसमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ये आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये आपका हो रहा है रिडक्शन प्लस 2 0। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लीक बा सरकाना मग अलमंजन कर फिसिडी कोनी संपक। देखिए ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसमें दो मेटल दिख रहे हैं, टिन दिख रहा है और Fe दिख रहा है। तो इसमें जो मेटल ऊपर रखा है SN और Fe में, देखिए SN और Fe में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे होती है, Fe ऊपर होता है और टिन नीचे होता है। तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और SN का रिडक्शन हो रहा हो तो वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस, कहाँ अपने आप होगी। अगर आप FeCl3 के सोल्यूशन में टिन की प्लेट को लटकाओगे देन देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इस तरीके के सवाल भी इसमें बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए AU प्लस AgCl AuCl3 प्लस Ag। देखिए Au 0 से प्लस 3 है, इसमें आप ऊपर वाले पॉइंट भी लगा सकते हो। ये तो मैंने अपना स्पेशल 8वां पॉइंट बताया, इसमें तो यही लगाता हूँ हर जगह, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप देखो वैसे भी कर सकते हो, क्या बताया था, अबव प्लेस्ड मेटल कैन डिस्प्लेस बिलो प्लेस्ड मेटल। सीरीज में सिल्वर ऊपर होता है और गोल्ड नीचे होता है, सिल्वर ऊपर होता है गोल्ड नीचे होता है। तो पुराने पॉइंट के हिसाब से जो इसके 8 के पहले बताए, तो सिल्वर ऊपर है तो सिल्वर गोल्ड को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ तो गोल्ड सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है भैया, देखो सिल्वर निकल गया बाहर, गोल्ड उसकी जगह पहुंच गया। और वो AuCl3 इसलिए बन गया क्योंकि उसको वैलेंसी फुलफिल करनी है। तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर मैं उस तरीके से करता हूँ तो भी निकलता, और इस तरीके से करता हूँ तो अबव प्लेस्ड मेटल गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर ऊपर है तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यहाँ सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, प्लस 1 से 0 हो रहा है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी से अगर हम 8वें पॉइंट को लेकर चलें तो एक पॉइंट आपको और बना सकते हैं कि किसी मेटल के वेसल में किस सॉल्ट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं। देखिए 9वां पॉइंट, कैन वी स्टोर अ मेटल सॉल्ट इंटू अनादर मेटल वेसल। किसी एक मेटल के बने बर्तन में क्या दूसरे मेटल के बने सॉल्ट को स्टोर कर सकते हैं।
ये हमारा सवाल है तो ये भी इससे बन सकता है। देखिए कैसे, इफ़ रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन अपने आप हो जाती है देन वी कैन नॉट स्टोर, तब हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। भैया रिएक्शन हो गई तो हमको स्टोर करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम रख रहे हैं वो चीज़ अपना रूप रंग ना बदले। ये तो रूप रंग बदल ले रहा है, अगर रिएक्शन अपने आप हो जाती है तो फिर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इफ़ रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, नेचुरल नहीं हो रही है, देन वी कैन स्टोर, बहुत सवाल बन सकते हैं। जैसे देखिए ZnSO4 सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल, कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉपर वेसल, कॉपर वेसल में इनमें से किस सॉल्ट को स्टोर कर सकते हैं, किस सॉल्ट के सॉल्यूशन को। आप देखोगे रिएक्शन करके, जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी वहाँ पर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए तब स्टोर करेंगे। अब आप देखिए, आप अगर कॉपर की इसमें रिएक्शन कराओगे तो एक्चुअल में इसमें रिएक्शन नहीं होती है, CuSO4 प्लस Zn नहीं बनता है, तो इसलिए सो वी कैन स्टोर, हम कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट के सॉल्ट को, एक्चुअली कॉपर के बर्तन में हम उन सारे मेटल के सॉल्ट को रख सकते हैं विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितने जितने मेटल कॉपर के ऊपर रखे हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उन सभी को हम, उन्हीं सभी के सॉल्यूशन को कॉपर के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट इसका, और आज के वीडियो का भी आखिरी पॉइंट है। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो अगला कोई टॉपिक लेके मिलेंगे, वो मैं डिसाइड करूँगा कौन सा है, और वो इनऑर्गेनिक का ही होगा। देखिए दसवां और हमारा आखिरी पॉइंट, देखिए ये रिलेटेड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। अबव प्लेस्ड मेटल्स कैन बी कोटेड ओवर बिलो प्लेस्ड मेटल्स, जो मेटल, दो मेटल पिक कर लो, जैसे हमने चांदी ले लिया और सोना ले लिया, तो अबव कौन है, सिल्वर, गोल्ड नीचे है, तो सिल्वर कैन बी कोटेड ओवर गोल्ड, सॉरी गोल्ड कैन बी कोटेड ओवर सिल्वर, मैंने क्या लिखा, ये गलत हो गया है, बिलो प्लेस्ड नहीं, बिलो प्लेस्ड मेटल कैन बी कोटेड ओवर अबव प्लेस्ड मेटल, इसमें उल्टा चल रहा है, जो नीचे रखा मेटल है वो अपने ऊपर, भाई ताकतवर चीज़ कमज़ोर को शरण देगा ना, गो सिल्वर मेटेलिक करेक्टर में ताकतवर है गोल्ड से, तो सिल्वर के ऊपर गोल्ड की पॉलिश की जा सकती है, बट एजी कैन नॉट बी, नहीं तो सब स्मगलिंग हो जाए, ओवर गोल्ड, गोल्ड के ऊपर सिल्वर की पॉलिश को चढ़ा ही नहीं सकते हो। अबव प्लेस्ड मेटल, जो प्ले मेटल ऊपर रखे हुए हैं वो नीचे रखे हुए हैं, वो अपने से ऊपर यानी अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल के ऊपर उनकी कोटिंग कर सकते हैं। ये टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है वो है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ना, चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश, गोल्ड के ऊपर चांदी की पॉलिश, सॉरी कॉपर के ऊपर चांदी की पॉलिश, कॉपर के ऊपर गोल्ड की पॉलिश हम कर सकते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपका डी ब्लॉक के दो पार्ट हो गए हैं, डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। इस मॉडर्न सिनेरियो में इस साल के हिसाब से वो आपका काम कंप्लीट हो गया है और रिडॉक्स भी हो गया है। अगर हम तीन नंबर उसके, तीन नंबर इसके, छः और दो नंबर, लगभग आठ नंबर का काम हमने, मैंने आपको 75 में 10% काम करवा दिया। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।